नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग का ऊपर बेस करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर नहीं है, इंट्राडे में काम नहीं करना चाहते, बट थोड़ा पोजिशनली लंबा प्रॉफिट करने का बारे में सोच रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, काफी सारा नॉलेज आपको इसमें मिलने वाला है। तो आज को एज ए एग्जाम्पल मैं बैंक निफ्टी का चार्ट को खोला हूं, और इसका जो टाइम फ्रेम है ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर होते हैं तो आप बेसिकली 1 मिनट से स्टार्ट करते हैं, एकदम जो स्कैल्पिंग करता है कोई 1 मिनट, कोई 3 मिनट, स्टैंडर्ड 5 मिनट होता है। बट अगर आपको थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग में काम करना है तो आप 30 मिनट, 1 आवर, H4 मैक्स टू मैक्स डेली व्यू तक भी आप देख सकते हैं। तो आज का जो चार्ट है ये 4 आवर्स के ऊपर बेस करके है। तो देखिए, लॉजिक को समझिएगा, जो ये किस हिसाब से आपको कॉल प्लॉट कर रहा है और आप एक कॉल को आइडेंटिफाई करेंगे कैसे, एकदम अगर बिगिनिंग से समझाता हूं। देखिए, यहां पर ये जो ग्रीन कलर का एरो आपको दिख रहा है ये आपका सिग्नल होता है। तो सपोज इस कैंडल पे कॉल बन रहा है, तो जिस कैंडल पे कॉल बनता है ऑब्वियसली उस कैंडल का क्लोजिंग तक वेट करना चाहिए। जैसे कैंडल क्लोज होकर नेक्स्ट कैंडल ओपन होगा, कॉल कंफर्म हो जाता है। अब यहां पर आपको जो कंडीशन को मैच करना है वो है बाइंग का टाइम, नीचे का जो पट्टी है, जो रिबन है, उसका कलर को देखना है। ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है जो यहाँ पर बायर्स है या सेलर्स है। तो बाइंग का टाइम नीचे का रिबन का कलर ऑब्वियसली ग्रीन होना चाहिए, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। मिडिल में आपको दो लाइन दिखाई देगा जो क्रॉस ओवर होकर ग्रीन हुआ है, तो ये आपका सेकंड कंडीशन होता है। एंड थर्ड कंडीशन होता है नीचे का ब्रिक्स इंडिकेटर, जिसका कलर को ग्रीन होना चाहिए, और यहाँ पर जो पतला सा ब्राउन कलर का लाइन आपको दिख रहा है इसका ऊपर ब्रिक्स का मूवमेंट होना चाहिए। अगर ये 3 पैरामीटर मैच होता है तब जाके इस कॉल को हम लोग स्ट्रॉन्ग कॉल बोलते हैं, अदरवाइज नॉट। और यहां पर देखिए एक अच्छा खासा बेनिफिट आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ही ब्रिक्स नीचे आएगा, देखिए यहाँ पर जैसे सेलिंग का कॉल बन गया है और यहां से आपका डाउन ट्रेंड शुरू हो जा रहा है। आप एंट्री सेकेंड कैंडल पे लीजिएगा और इसका भी एग्जिट होगा जहां पर ब्रिक्स ब्रेकआउट हो रहा है। तो ब्रिक्स का ये जो नीचे वाला इंडिकेटर है ये आपको बेसिकली एग्जिट करने के लिए हेल्प कर रहा है। ब्रिक्स का कलर ऑब्वियसली ग्रीन मतलब बाइंग बायर्स है, रेड मतलब सेलर्स है, ब्लू मतलब थोड़ा साइडवेज है, बट ब्राउन का ऊपर चला जाएगा तो आपका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो देखिए यहां पर एक अच्छा खासा बेनिफिट आपको दिया था, उसके बाद ये सेल का कॉल में भी आप लंबा एक प्रॉफिट बनाए। जैसे ये जो बाय का कॉल है यहां पर मुझे खास प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। तो अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट वैल्यू में या मिनिमम एक लॉस में आप यहां से निकल जाइएगा। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, अगर कभी प्रॉफिट नहीं भी हो रहा है तो देखना है हम लोग लॉस भी कितना कर रहे हैं। अल्टीमेटली कि ये जो सेल का कॉल यहां पर बना था, ये कॉल कंफर्म यहां पर नहीं, इस जगह पे कंफर्म हुआ है जहां पर मिडिल का दोनों लाइन पिंक हुआ है, नीचे करीब वो रेड हुआ है, और वही ब्रिक्स वाला इंडिकेटर ब्राउन का नीचे आया है। तो देखिए यहां पर भी आप एक लंबा बेनिफिट बना लिए। फाइनली देखिए यहां पर बाय का कॉल बना, अभी जो बाय का कॉल बना है ब्रिक्स ने ब्रेकआउट तो कर चुका है, मतलब ये इंडिकेटर आपका कंफर्म हो चुका है, बट नीचे का रिबन अभी भी ग्रीन नहीं हुआ है, ना ही दोनों लाइन क्रॉस ओवर हुआ है। तो आपको बाय कहां पर करना है, इस जगह भी, इस जगह पे दोनों लाइन क्रॉसओवर जब होगा और नीचे का रिबन ग्रीन होगा तो यहां पर बाय करना है। बट एक चीज याद रखिएगा, जिस टाइम बाय का कॉल बनता है अगर उसी टाइम क्रॉसओवर होता है, उसी टाइम नीचे का रिबन ग्रीन रहता है और उसी टाइम ब्रिक्स ब्रेकआउट होता है, ये 3 पैरामीटर अगर सेम टाइम मैच होता है तो ऑब्वियसली उसका एक्यूरेसी लेवल हमेशा आपका ज्यादा होगा। फाइनली देखिए ये जो सेल का कॉल बना ये कॉल सही तो था, बट यहां पर भी कुछ खास प्रॉफिट नहीं मिला। देखिए नीचे का ब्रिक्स को ध्यान दीजिए, यहाँ पर ब्लू हुआ और उसके बाद तो ग्रीन होना शुरू कर दिया। ग्रीन होने का मतलब ये धीरे धीरे मार्केट रिवर्स होने जा रहा है, ये एक संकेत आपको मिल जा रहा है। फाइनली देखिए यहाँ पर बाय का कॉल बना, अभी इस कॉल को ध्यान से देखिए, ये जो बाय का कॉल बना है उसी टाइम नीचे का रिबन ग्रीन हुआ और ये दोनों लाइन वहां पर क्रॉस ओवर के ग्रीन हुआ था, एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे ये जो ब्रिक्स है ब्राउन को तोड़ के ऊपर गया। और इसका एग्जिट कहां पर होगा, इस जगह पे जहां पर ये ब्रिक्स दोबारा ब्राउन को तोड़ दिया। तो इस इंडिकेटर को देखते हुए आपको सिंपली पता चल रहा है जो आपको कहां पर ट्रेड करना है, कहां पर नहीं करना है, कौन सी जगह पे एंट्री लीजिएगा और कौन सी जगह पे एग्जिट कीजिएगा। तो ये तो था एक स्विंग का एक कंसेप्ट। स्विंग मतलब अगर आप इंट्राडे में उतना इंटरेस्टेड नहीं है, उतना टाइम आपको नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा पोजिशनल खेलना चाहते हैं लंबा प्रॉफिट के लिए, तो आप 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर कोई भी चार्ट यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है, इंट्राडे में प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो यही चीज, यही सेम कंसेप्ट को टाइम फ्रेम को 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट या इस तरीका का शॉर्ट टाइम फ्रेम में काम कर सकते हैं। तो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगने से लाइक शेयर जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस मार्केट रिगार्डिंग कोई भी मन में क्वेरीज या डाउट रहा आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लाइव डेमो के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप न्यू है, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या आप लोगों के थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं,
जैसे हम लोग एलिस ब्लू के साथ काम करते हैं, काफी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफी सारे फैसिलिटीज भी दे रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ट्रेडर के लिए और भी अच्छा है। तो थैंक यू सो मच। ये जो स्ट्रैटेजी आप देख रहे हैं नॉट ओनली फॉर स्विंग ट्रेडिंग, आप इसमें इंट्राडे में काफी ज्यादा बेनिफिट बना सकते हैं। तो इस रिगार्डिंग अगर आपको मेरा और भी बहुत सारा वीडियो देखना है, वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, चैनल को ओपन करके काफी सारा वीडियो दिया गया है, वहां पर कुछ वीडियो देख लीजिए, काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। और मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज था आप डायरेक्टली हम लोग को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड बाय।